9 साल से लगातार ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आए दिन टीआरपी की लिस्ट में शामिल रहता है। जेठालाल से लेकर टप्पू सेना, हर किसी को इस शो के कैरेक्टर्स काफी पसंद आते हैं। ये तो हर कोई जानता ही है कि शो में दयाबेन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी काफी लंबे समय से शो में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हाल ही में जब खबर आई कि वो शो में वापसी करने वाली हैं, तो उनके फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। वहीं अब जो खबर सामने आई है वो काफी शॉकिंग है। दरअसल अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जहां पहले दिशा इस शो के एक एपिसोड के लिए 1,25,000 रुपए लेती थी, वहीं अब उन्होंने मेकर से पर एपिसोड 1,50,000 की मांग कर दी है। हेमा माता जी डायलॉग से फेमस हुई दिशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जान है। वैसे उनके बिना भी शो आए दिन धमाल करता है, लेकिन हर किसी को उनकी कमी जरूर खलती है। वैसे अब मेकर्स क्या दिशा की इस डिमांड को मानते हैं या फिर नहीं दयाबेन को ढूंढ कर लाते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और छोटे पर्दे से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। मजाक कर रहा था भाई, वो अपने गोकुल धाम में जो भी आता है वो मजाक करना शुरू कर देता है। ओके, अभी चंपक चल रहा है। तो डॉक्टर आदि और कोमल बाबी के अफलातून परफॉर्मेंस के बाद बारी है हमारे नेक्स्ट मेंबर की, और हमारा नेक्स्ट मेंबर है सबके बुजुर्ग, सबके चहेते, सबके समझदार और सबके प्यारे चंपक चाचा। चंपक चाचा ऊपर आया, उन्होंने चिट्ठी निकाली, चिट्ठी देखी, सब टेंशन में क्या होगा, कौन पार्टनर होगा। अरे इसमें तो कुछ नहीं है। आलिया, मतलब पार्टनर की चिट्ठी में कोई नाम नहीं। कमॉन दादाजी, कमॉन। आलिया, तो ये रहा आपका पहला सवाल। गोकुदाम सोसाइटी में 6 लोग हैं जो रेगुलरली सुबह 6 बजे से पहले उठते हैं और कसरत करते हैं, तो उनके नाम बताइए। अय्यर मास्टर जो सुबह 6 बजे उठता है, दूसरा है बबीता बहू, माधवी बहू, अंजलि बहू, और हाँ वो मैथुस को उठाती है पर मैथुस उठता नहीं है। और फिर आती है टप्पू की बारी, वो 6 बजे।